हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दोज हु आर न्यू, दिस इज शुभ श्रीवास्तव। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए कि मेरी वीडियो किस चीज़ पे होगी आज की। सो इन टुडेज वीडियो आई विल शो यू द ट्यूटोरियल ऑफ माय ब्यूटीफुल ड्रेस, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। बेसिकली माई ड्रेस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हैंकरचीफ स्कर्ट, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट हैंकरचीफ स्कर्ट, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसमें कुछ वेरिएशंस किए हैं ताकि ये और भी इंटरेस्टिंग लगे। अभी आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरीके से चेंजेस किए हैं। सो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाए कि मैंने कैसे कटिंग की, कैसे स्टिचिंग की, आपको सब कुछ अच्छे से आ जाए। सो अब बिना लेट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, ये आप टॉप देख सकते हैं मेरा, ये भी मैंने खुद बनाया। अगर आपको इसकी पिक्चर्स देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाकर देख सकते हैं, डेट इज डिजाइन वर्क 16। ये है मेरा फैब्रिक 3.5 मीटर, फिर मैंने लिया है फ्रेंच कर्व, स्केल, चॉक एंड इंच टेप। अगर आपके पास चॉक नहीं है तो आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप फ्री हैंड भी कर्व दे सकते हैं। अब मैंने अपने फैब्रिक को ओपन कर लिया है, उसके बाद मैं सीधा इसे फैलाकर फिर इसे उल्टी साइड फोल्ड कर दूँगी। तो मैं सबसे पहले लोअर पार्ट पे काम कर रही हूँ, जिसका मैं बड़ा वाला पार्ट बनाने जा रही हूँ। आपको इसकी लेंथ 70 इंचेस रखनी है एंड ठीक इसी तरह कटिंग कर लेनी है। लेंथ 70 इंचेस हो गई है, उसके बाद ये जो विड्थ मैंने रखी है, ये मैंने पूरी फैब्रिक की विड्थ यूज़ की है, कंप्लीट विड्थ है ये। इसमें दो फोल्ड होगा, फर्स्ट फोल्ड हमने शुरू में कर दिया था एंड ये अब दूसरा फोल्ड है। ये मैं आपको खुली साइड दिखा रही हूँ, और ये जो बंद वाली साइड है यहाँ पे हमारी वेस्ट लाइन बनेगी, जहाँ पे हम इसको कट करेंगे। अब आपको वेस्ट मेज़रमेंट कैसे निकालना है, जो आपका टोटल वेस्ट है, मान लीजिए आपका वेस्ट 30 है, तो अब आपको उसको 6.28 से डिवाइड कर देना है। तो जितना मेज़रमेंट आएगा उतना आपको वेस्ट रखना है। अब मेरा ये बन चुका है, अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाऊंगी। सो आप ये देख सकते हैं, मैंने इसे पहन के देखा है कि ये सही आ रहा है कि नहीं, और ये बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर मैंने अब रफल्स लगाने का सोचा है, तो मैं 17 इंचेस दोनों साइड से छोड़ दूंगी। देखिए यहाँ से मैंने 17 इंचेस छोड़ा, और अब मैं यहाँ से भी 17 इंचेस छोड़ दूँगी, उसके बाद बीच में मेरा रफ़ल लगेगा। एक्चुअली रफ़ल की लेंथ 36 है, बट जब हम फैब्रिक कट करते हैं तो हम डबल मेजरमेंट लेते हैं। लाइक ये मेरा 36 है, तो हम टोटल लेंथ लेंगे 72, क्योंकि जब हम रफ़ल्स बनाएंगे तो वो अपने आप 36 पे पहुँच जाएगा। एंड मैंने रफ़ल की चौड़ाई 5 इंच रखी है। मेरे पास फैब्रिक कम था इसलिए मैंने 36 के 4 पार्ट काट लिए हैं, और अब मैं 2 पार्ट को एक में जोड़ लूँगी, तो ये 2 पार्ट जुड़ने के बाद हो जाएगा 72। एंड मुझे बस 2 ही रफ़ल्स चाहिए, तो मैं दोनों का रफ़ल्स बना लूँगी। अब मैं लोअर पार्ट के अपर लेयर पे काम करूँगी, जिसकी लेंथ मैंने रखी है 13 इंचेस। सेम आपने जैसे पहले वाला कट किया था आपको उसी तरह कट करना है, वेस्ट लाइन भी बिल्कुल सेम रखनी है, सब कुछ सेम होगा पहले वाले की तरह, बस इसकी लेंथ 13 इंचेस रखी है। अब मैं आपको दोनों पार्ट खोल के दिखा देती हूँ एक दूसरे के ऊपर रख के। यहाँ पर मैं आपको स्टिचिंग करना बता रही हूँ कि आप दोनों पार्ट को कैसे स्टिच करेंगे साथ में। तो आपको बड़े वाले के ऊपर छोटे वाले को रख देना है, ये देखिए मैंने रख दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पूरे सर्कल पे स्टिच मार देनी है सीधी। ये मैंने जिस तरह स्टिच की है आपको ठीक उसी तरह स्टिच करना है, और अब ये हमारा हो गया है रेडी। फैब्रिक लेंथ वाइज फोल्ड करने के बाद अब मैं अपर पार्ट पे काम करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये मीडियम साइज़ की पैटर्न बनाई है अपने लिए। अगर आपके पास ये पैटर्न नहीं है या आपको बनाने नहीं आता है, तो आप अपनी कोई स्लीवलेस टी शर्ट भी इस तरह रख के मार्किंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। और आपको बस ये करना है कि नीचे से 4 इंच ज़्यादा छोड़ देना है। हमारा बैक पार्ट कम्प्लीट हो चुका है, मैं उसकी कटिंग कर लूँगी।
उसके बाद मैं फ्रंट की मार्किंग करूँगी, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह होगी। इसमें भी देखिए मैंने 4 इंच नीचे छोड़ रखा है, ऐसे ही आपको दोनों में छोड़ना है, फ्रंट एंड बैक दोनों में। उसके बाद आप मार्किंग कर सकते हैं। मैंने दोनों में डार्ट भी डाली है, डार्ट डालना मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। ये देखिए आपको डार्ट किस तरह डालनी है। फ्रंट में आपको साइड से 4 इंच छोड़ के उसके बाद आपको बीच में 4 इंच की डार्ट डालनी है, ठीक इसी तरह जैसे मैंने 4 इंच की डाल रखी है, वैसे ही आप 2 डार्ट डाल देंगे। और बैक में आपकी डार्ट साइड से 5 इंच छोड़ के 1.5 इंच की डार्ट होगी। और अगर आप डार्ट नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने स्लीवलेस टी शर्ट को रख के मार्किंग कर सकते हैं। ये मैंने अपनी डार्ट स्टिच कर ली है दोनों। ये मैंने बकरम लिया है जिसका यूज़ मैं अपने फ्रंट बॉडीज में करूँगी। ये आपको नीचे 3 इंच रखना है, उसके बाद इसकी लेंथ होगी 18 इंच, उसके बाद ये आप ऊपर 4 इंच मार्क करेंगे। तो आपको इस साइज़ के 3 पार्ट कट करने हैं एंड बाकी 2 छोटे होंगे। छोटे में बस आपको लेंथ कम करनी है जो कि 13 इंचेस है बस। यहाँ पर मैं अपनी डिज़ाइन रख के दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह रखना है। यहाँ पर अब आपको इस सारे पार्ट्स को फैब्रिक से कवर करना है। आप स्टिच भी कर सकते हैं बट वो टाइम टेकिंग होगा, तो आप उसकी जगह फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बकरम फैब्रिक इसलिए लगाया क्योंकि आपका पार्ट थोड़ा स्टिफ रहे। अब बारी है नेकलाइन कट करने की। फ्रंट में आपको 5 इंच नेकलाइन रखनी है एंड बैक में आपको 4 इंच नेकलाइन रखनी है। ये हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं, उसके बाद स्टिच मारनी है। आपको दोनों सीधे पार्ट को एक तरफ रखना है, ठीक इस तरह। उसके बाद सबसे पहले आपको शोल्डर लाइन पे सीधी स्टिच मारनी है। ये देखिए मैंने शोल्डर लाइन पे स्टिच मार ली है। उसके बाद हमें नेक लाइन और आर्म होल के एजेस को लॉक करना है, ठीक इसी तरह। आपको फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है एंड सीधी स्टिच मार देनी है, ठीक इस तरह। यहाँ पर मैंने स्टिच कर दी है, आप देख सकते हैं एजेस बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। और अब मैं बताने जा रही हूँ कि आपको फ्रंट में ये सारे पार्ट्स कैसे जॉइंट करने हैं। आप पहले उसको ठीक इसी तरह रख लीजिए, उसके बाद आप पिन का यूज़ करके इसको फिक्स भी कर सकते हैं या एक एक करके भी लगा सकते हैं। अब बस आपको सबको एक साथ पकड़ के स्टिच मार देनी है, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ वहाँ वहाँ पर आपको स्टिच मारनी है। ये मैंने स्टिच कर ली है बट बाद में मुझे लगा कि मुझे पूरी स्टिच करनी पड़ेगी क्योंकि ऊपर का पार्ट पहनने पे नीचे की ओर आएगा, तो बाद में मैं स्टिच कर लूँगी। बट उससे पहले हमें फ्रंट एंड बैक को ज्वाइन करना है, तो आप ठीक इसी तरह रख के साइड सीम को ज्वाइन कर दीजिए। ये मेरा ज्वाइन हो चुका है और यहाँ मैंने ऊपर सिलाई भी कर दी है, अब ये बिल्कुल नीचे नहीं आएगा। और ये है मेरा रफल्स, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस तरह इसकी हेमिंग करनी है एंड उसके बाद आपको सीधी स्टिच मारनी है। उसके बाद आप इसका थ्रेड 1-2 पुल करेंगे, ठीक इसी तरह। उसके बाद आप जब थ्रेड खींचेंगे तो इसमें अपने आप रफल्स आने लगेंगे, ये आप देख सकते हैं। आपको ऐसा पूरे में कर देना है, बस आपको याद रखना है कि इसकी लेंथ 36 इंच ही होनी चाहिए। अब बारी है हमारी जो लोअर पार्ट थी उसकी हेमिंग की, क्योंकि हमें सारे एजेस को सिक्योर करना है।
आपको दोनों पार्ट में ऐसे ही हेमिंग कर देनी है, फोल्ड करके सीधे स्टिच मार देनी है। जब आप हेमिंग करेंगे तो आप साथ ही साथ रफल्स भी अटैच कर दीजिएगा। ये है मेरे रफल्स और आप इसको ज्वाइन करना ध्यान से देख लीजिए। आपको क्या करना है, फैब्रिक की दोनों साइड को एक दूसरे के ऊपर रखना है एंड उसके बाद सीधे स्टिच मार देनी है, जैसे कि मैंने रखा है। आपको ठीक इसी तरह रखना है और सीधी स्टिच मारनी है। दूसरे साइड भी आपको रफल लगा लेना है। ये देखिए मेरे रफल लग गए हैं दोनों साइड। और अब बस लास्ट चीज़ रह चुकी है, अपर एंड लोअर पार्ट को ज्वाइन करना, जिसके बाद हमारा आउटफिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ठीक अपर पार्ट पर लोअर पार्ट को रख देना है, ठीक इस तरह। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको दोनों के सीधे साइड को एक साथ रखना है एंड उसके बाद पूरे सर्कल पे स्टिच मारनी है। मैं एक बार और दिखा दे रही हूँ, आपको दोनों सीधे साइड को एक साथ रखना है, उसके बाद पूरे सर्कल पे स्टिच मार देनी है। और ये मेरी ड्रेस रेडी हो चुकी है। Lately I was feeling like I need a purpose. I hope you all like my video, and if you like my video, please don't forget to like, comment and share on my video, and please subscribe my channel for such more wonderful videos. Video khatam karne se pehle main aapko ek cheez batana chahti hu ki jo meri next video aane wali hai wo bahut hi interesting hone wali hai. Like usme sirf cutting hogi and styling hogi, एंड इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊँगी, उसके लिए आपको करना होगा वेट। एंड वन मोर थिंग, मैंने जो आज ड्रेस स्टिच किया है मैंने उसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पे डाल दी है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। बाय गाइस।